में जब लोग आकर शिकायत करते हैं कि खाना पचता नहीं है, आजकल डाइजेशन बड़ी कमज़ोर हो गई है, दिन भर थके रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ रात को भारी खाना ना खाएं। तो वो कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है भारी चीज़ कौन सी होती है और हल्की चीज़ किसको कहते हैं, हमें कोई ऐसी विधि बता दो जिससे हम खुद समझ सकें। एटलीस्ट हमसे पूरा आयुर्वेद नहीं पढ़ा जाता, हम इतने बिजी हैं, अपनी लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। तो मैं आज आपको इसी पे चर्चा करने वाला हूँ, एक फार्मूला देने वाला हूँ कैसे पता करें कौन सी चीज़ पचने में हल्की है और कौन सी चीज़ भारी है। देखिए, ध्यान दीजिए, आपकी माँ या आपके घर में जो भी गृहिणी खाना बनाती होगी उसे जो चीज़ पकाने में समय लगे, यानी कुकिंग करने में वो ज़्यादा टाइम ले, ज़्यादा हीट देनी पड़े, ज़्यादा देर तक पकाना पड़े, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर के कंटेंट हैवी हैं जिस वजह से वो पकने में समय लग रहा है। जो चीज़ पकने में समय लेगी, थोड़ा और अगर पीछे ज़रा सा आप जाएंगे तो पाएंगे वो चीज़ उगने में भी देरी से उगी। उदाहरण के तौर पे उड़द की दाल, 6-6 महीने की फसल होती है इन दालों की ज़्यादातर, तब जा कर के ये तैयार होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ लौकी, टिंडा, तोरी, एक रात में इतनी सी होती है लौकी और सुबह इतनी बड़ी हो जाती है, वो जल्दी उगती है उसकी तुलना में, तो वो पकती भी जल्दी है। लौकी पकानी है तो 10-15 मिनट चाहिए, कोई सब्जी पकानी है तो आध घंटा चाहिए, और अगर दाल पकानी है तो 1.5 घंटा भी लग जाता है, कई कई बार 2-2 घंटे भी लग जाते हैं उड़द जैसी दाल को। लोग इसको जल्दी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं जिसमें दाल पकती तो नहीं है बल्कि फूल कर फट जाती है, नरम पड़ जाती है और हमें लगता है पक गई पक गई पक गई, लो खाओ खाओ, लेकिन उसके अंदर के कंटेंट्स जो कच्चे ही रह जाते हैं वो फिर जा कर के यूरिक एसिड करते हैं, जाकर पथरियाँ बनाते हैं। तो व्यक्ति सोचता है या घर में लोग सोचते हैं कहाँ से पथरी आ गई, सबको थोड़ी हुई, सबने खाई थी, खाली इसको पथरी हो गई। जिस जिसकी पाचन शक्ति अलाउ करती है वो पचा लेता है, जिसकी पाचन शक्ति इतना साथ नहीं देती वो रह जाता है, फिर उसमें बीमारियाँ और उसको झेलना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखें जो चीज़ उगेगी देर से वो पकेगी भी देर से, और जो उगने और पकने में देर लगाए वो पचने में भी देर लगाती है, और जो उगने और पचने में फुर्तीली हो, जाहिर सी बात है वो पचने में भी फुर्तीली होगी। यही था आज का फार्मूला। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही आयुर्वेद पर आधारित, योग और हमारी संस्कृति पर आधारित रोचक जानकारियाँ, ऐसी बातें जो आपको शायद कहीं ना मिलेंगी, ये कुछ तजुर्बा, कुछ गुरुओं का आशीर्वाद है जो मैं आप सब लोगों को अपने पास रखना नहीं चाहता, सरल भाषा में बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। आप देख रहे हैं मुझे यानी नित्यानंदम श्री को मेरे YouTube या फिर Facebook के चैनल्स पर, और मैंने हाल ही में आनंदम आयुर्वेद नाम का ब्रांड शुरू किया है जिसका मकसद यही है आयुर्वेद की उन औषधियों पे काम करना जो हमारे ग्रंथों में जिनकी महिमा तो है लेकिन बाहर वो उपलब्ध नहीं है, और जो पहले से ही उपलब्ध हैं, अगर मुझे लगता है कि इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाना चाहिए, तो मैं उन पर भी काम कर रहा हूँ। एक बार ज़रूर आप आजमा कर देखेगा आनंदम आयुर्वेद को। तो ये सारी औषधियाँ आपको sanskritibazaar.com पर उपलब्ध रहेंगी। ये थी आज की एक ज़रूरी सूचना, और फिर मिलता हूँ जल्दी ही एक नए कार्यक्रम, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।